इंडिया हमारे साथ ही बना, कहाँ से कहाँ भी पहुँच गया, उन्होंने आईटी में जितना मुकाम पैदा इंडिया से निकले है। एब्सोल्युटली कि हमारा एक साथ है चूंकि वो हुआ तो इंडियन बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं मुझे 7-8 साल दुबई में हो गए हैं, एजुकेटेड भी बहुत हैं और हमारी तरह धोखेबाज नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है, इधर जो पोजीशन है ना ये ऐसे ही है। स्टेडियम नजर आ रहे हैं इस टाइम पे, अगर किसी पब्लिक को गवर्नमेंट लेवल पर कोई हेल्प की जरूरत पड़ जाए या कुछ भी हो जाए, क्या पब्लिक के गवर्नमेंट की तरफ से उस पब्लिक को रिलीफ मिलता है या नहीं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं मिलता सर। मैं दूर नहीं जाती, पास एक जमान पार्क लगता है जहाँ पे अक्सर डेली बेसिस पे क्राउड होता है और कहीं से एम्बुलेंस अगर गुजरे तो वहाँ पर फंस जाती है, अगर अल्लाह ना करे जानी नुकसान हो तो क्या किया जाए? यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, ये पाकिस्तान है, इधर जो पोजीशन है ना ये ऐसे ही है, ये तो उधर क्राउड है तो वो ना भी हो तो वैसे भी एम्बुलेंस बहुत मुश्किल है इधर से गुजरना, ये तो सही बात है सर। इसके लिए हमें हमारी गवर्नमेंट को कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, ये सब तो चलता रहेगा लेकिन अवाम जो कि एक बहुत बड़ा रोल रखती है किसी भी मुल्क के लिए, आपको नहीं लगता कि अवाम से ही एक मुल्क बनता है? बिल्कुल सही, अवाम से बनता है, लेकिन अवाम में अब वो जो शोर है ना वो दोनों तरफ नहीं है, ना गवर्नमेंट में है ना कोई दूसरी जमात में ऐसा है, क्योंकि हर जमात अपने जो है ना वो अपने मकसद के लिए अपने के लिए कर रही है, वो आवाम के लिए नहीं कोई भी कर रहा, जो भी है उसने अपने लिए किया, आवाम के लिए नहीं किया है कुछ। सही बात है सर। एक आपको न्यूज सुनाते चलो, एयरक्राफ्ट जो ऑलमोस्ट चीजों के लिए यूज होता है, स्पेशली आर्मी के लिए यूज होता है आर्मी लेवल पर सर, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सब कंट्रीज के पास है लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया अपनी पब्लिक के लिए सर, वहाँ पर एयर एम्बुलेंस बनाई गई है जो पब्लिक के लिए यूज होगी, वो किस तरह कभी भी अल्लाह ना करे कोई इमरजेंसी किसी को पड़ती है, बहुत जरूरी होता है तो वो एयर एम्बुलेंस यूज कर सकते हैं, मतलब जल्दी पहुंच सकते हैं सर। आप मुझे बताइएगा कि अगर वो ये सोच सकते हैं अपनी पब्लिक के लिए तो हमारे पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं? हमारे पाकिस्तान में तो वो सिंपल सादा एम्बुलेंस वाले नहीं आते, तो ये तो बहुत दूर की बात है सर। क्यों? एक ही इनकी इंडिपेंडेंस हम रख रहे हैं, एक ही ओरिजिन से हम निकले हैं, इंडिया से हम निकले, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं लेकिन हम बस मंदी की तरफ जा रहे हैं, क्यों? इधर ये जितने भी आए हैं ना समझ लें कि उन्होंने इस मुल्क को खाया है, बनाया नहीं है, इस मुल्क को बनाया नहीं है उन्होंने सर। फिर अगर हम ये कह सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पर गवर्नमेंट का फर्क क्या है? और कोई नहीं है, और वो बेहतर है हमसे, और गवर्नमेंट कोई बेहतर है काम के लिहाज से, यहाँ आप कह सकते हैं उनकी वो पॉपुलेशन ज्यादा है। सिर्फ हम पॉपुलेशन को क्यों देखते हैं, मुझे एक चीज नहीं समझ आती, जहाँ पर सर फायदे होते हैं ज्यादा पॉपुलेशन के वहाँ नुकसान भी तो होते हैं ना, लेकिन उन्होंने नुकसान को देखते हुए भी पॉपुलेशन ज्यादा होने के फायदे ज्यादा बढ़ाए हैं, हमें ये क्यों नहीं नजर आता? पांचवी बड़ी पॉपुलेशन है तो सर, पांचवी बड़ी पॉपुलेशन फिर क्या कर रही है? हमारे तो हालात ही ऐसे है, पोजिशन ऐसी है जिसकी वजह से ये कभी ऊपर आ ही नहीं सके सर। क्या लगता है, एक आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है इन फ्यूचर क्या हम किसी मुल्क के बराबर आ सकते हैं, क्या हम यूएस के सैंक्शंस के नीचे से आ सकते हैं, हमारे आईएमएफ के कर्जों के बाहर आ सकते हैं, सऊदीया हमारे कंधे से हाथ उठाएगा, क्या ये लगता है? ये तो एक मुल्क की सोच है, ये तो कोई लीडरशिप कोई अच्छी क्यादत आए कोई अच्छा मुल्क लिए सोचे तो इसको बनाने में तो बहुत आगे जा सकते हैं, चाइना आगे जा सकते हमारे पीछे से, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो इंसान मेहनत करे तो कहीं का कहीं चला जाए। क्या लगता है आपको कोई मुखलिस लीडर आएगा? नजर नहीं आता अभी तक, कोई भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच सर। कोई रिलीफ नहीं है मेरे हिसाब से यार जो मौजूदा हालात है। अगर हम बात करें अभी साथ ही देख लेते हैं जमान पार्क, जहाँ पर ऑलरेडी ऑलमोस्ट रश लगा रहता है, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, उसमें एम्बुलेंस अगर फंस जाए, मे बी अल्लाह ना करे किसी का जानी नुकसान हो जाए, क्या उस पब्लिक के लिए क्या कोई गवर्नमेंट कोई चीज रिलीफ के तौर पर देगी उसे? देखें वो बात तो गलत है कि उन्होंने पूरा रोड ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक है तो उन्होंने स्पेस देनी चाहिए रोड के लिए, ये चीज गलत है। बाकी मैं खुद इमरान खान का सपोर्टर हूँ, जो चीज उनकी गलत है वो गलत है। अब मैं आपको बताते चलूं, एयरक्राफ्ट जो है सबसे पहले 1947 में यूएस के पास था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ऑलमोस्ट हर कंट्री के पास है, पाकिस्तान के पास भी है, बट आज एक इनिशिएटिव जो कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया ने लिया है, उन्होंने एयरक्राफ्ट का नाम अपने रिपब्लिक किया है एयर एम्बुलेंस, अगर कभी कहीं कोई भी बहुत इमरजेंसी और कहीं कुछ ना इस तरह का मिल रहा हो तो वो एयर एम्बुलेंस को यूज कर सकते हैं। आप मुझे बताओ क्या ये इनिशिएटिव बेहतर है कि नहीं? बहुत बेहतर है, नहीं हमारा भी है, हमारे देखे ना ये पब्लिक नहीं है, पब्लिक नहीं है, नहीं इतना मुझे आइडिया नहीं है, पब्लिक नहीं है, एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट सबके पास, वही तो कह रही हूँ, लेकिन वो आर्मी और दूसरी चीजों के हद तक है, पब्लिक के लिए नहीं है। पब्लिक के लिए भी होना चाहिए, लाजिम है, क्योंकि अब पाकिस्तान की जो सूरत हाल आप भी बेहतर जानती है कि वो लोग हमारे जो है ऊपर है वो
जो उनके लिए हमारे लिए वो चीजें नहीं है, सहूलतें नहीं है। सही बात है। क्या लगता है आपको कि अगर हम बात करें दुनिया की, तो इस टाइम दुनिया हमसे ऊपर है, लेकिन आज अगर हम देखें 1970s की बात करें, 1960s की, तो हम भी उनके बराबर थे? क्या फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से हम पीछे आए हैं? देखिए, इसमें सारी गलती गवर्नमेंट की नहीं है, हम लोग खुद भी जो है अपने भी हमारे करेक्टर अच्छे नहीं है, सारी है, आप गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर सकते, तो अपने भी कुछ फॉल्ट हैं, लेकिन ये है कि बेसिक जो जरूरत है ना वो हमें नहीं मिल रही है, वो हमें अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, लॉ एंड रेगुलेशन हो, तो ये भी चीजें बेहतर हो सकती हैं। क्या लगता है गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम डालें तो इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट एज सच अदर थिंग्स? इंडियन बहुत बेहतर है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं, मुझे 7-8 साल दुबई में हो गए हैं। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे मैंने डिफरेंट नेशनलिटी देखी है, तो मोस्टली इंडियंस काम कर रहे हैं, इंडियन ऐसे ही है, वो लोग एजुकेटेड भी बहुत हैं और हमारी तरह धोखेबाज नहीं है, हम लोग जो है कर जाते हैं, लेकिन उन लोगों में नहीं है इतना, वो लोग प्रोफेशनल है, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है। अगर मैं बात करूँ करेक्टर ऑफ वर्क्स के लिहाज से, तो किसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखा जाता है काम की हद तक, इंडियंस को या पाकिस्तानी को? वहाँ पे तो ज्यादा इंडियन ही है, ठीक है, हालांकि हाँ टैलेंट हमें बहुत है, लेकिन कुछ अपनी भी कमजोरियां हैं जिनकी वजह से हम लोग पीछे हैं, और कुछ हमारी गवर्नमेंट की वजह से हमें वहाँ पे सहूलतें नहीं मिलती हैं। एक और बहुत अहम सवाल, क्या आपको लगता है कि किसी को लाइक पहचान के लिए एक मेजोरिटी का होना जरूरी है, या एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो वो ही काफी होता है? एक बंदा भी ट्रस्ट के काबिल हो तो हो सकता है। तो हम पाकिस्तानी ये क्यों कहते हैं इंडिया की तरक्की की वजह उनकी ग्रेट पॉपुलेशन है? देखें, ये तो कुछ गवर्नमेंट लेवल के भी फैसले हैं, कुछ फ्रॉडबाजी आप कह लें, हम लोगों में बहुत है, ठीक है, तो कुछ ये भी वजह हमारी नाकामियों की। सही बात है। क्या पैगाम देना चाहेंगे इंडियन और पाकिस्तानी व्यूअर्स को? देखें, देखा जाए तो बी नेशन हम दोनों एक ही हैं, इंडियन ओरिजिन से हैं, सेम ही है, तो वहाँ पे रहते हमें फील नहीं होता कि ये लोग दूसरी नेशनलिटी के हैं, वहाँ पे ठीक है, हम लोग भी वहाँ जाके ठीक हो जाते हैं, यहाँ पे हम ज्यादा खराब। लॉज जो होते हैं वो हर मुल्क के पास के, उन्होंने लॉज बनाए हुए हम फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी हो गए करेगी हम फॉलो, ठीक है, यहाँ पे लॉ ही नहीं है, यहाँ पे आपको पता है हर जगह पैसा चलता है, तो यहाँ पे वो सिस्टम ही नहीं है, सिस्टम होगा तो हम लोग भी बेहतर हो जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल, हमारे मुल्क का ही फायदा है इंडिया से, जैसे हम आपने अभी बताया, रेफरेंस दिया, इंडिया हमारे साथ ही बना, कहाँ से कहाँ भी पहुँच गया, उन्होंने आईटी में जितना मुकाम पैदा किया, इंडिया से निकले हैं। हाँ, एब्सोल्युटली, कि हमारा एक साथ है, चूंकि वो हुआ तो इस वाले से, बिल्कुल इंडिपेंडेंस एक है उस वाले से, तो अब वो बेसिकली ये सिर्फ आर्मी या तमाम ब्यूरोक्रेट्स के लिए ही नहीं होना चाहिए, पब्लिक के लिए भी होना चाहिए, मैं हूँ या कोई भी है, उन किस जिसको भी जरूरत है उसके लिए होना चाहिए। सही बात है। सर, आप मुझे बताइएगा, आज अगर हम देखें तो ना सिर्फ हम डिफॉल्ट के रास्ते पर अपनी इकोनॉमी को लेकर हैं, बल्कि एक एक सेक्टर के पीछे हम दुनिया को लीड नहीं कर पा रहे हैं। इंडिया अगर हम बात करें, आपने कहा हम एक इंडिपेंडेंस रखते हैं, सर आज अगर हम देखें तो उनकी मोशियत, उनकी आईटी, उनकी हर एक चीज, इवन की उनकी डेवलपमेंट एक एक छोटे बच्चे के अंदर नजर आती है, सर क्या रीजन है? वो तो एक बड़ी पॉपुलेशन भी तो है कवर करना, जहाँ पॉपुलेशन के फायदे और नुकसान भी तो हैं। एब्सोल्युटली, बेसिकली हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम अपने मुल्क से सिंसियर नहीं है, हम अवाम तो हैं, हमारे लीडर्स खा वो किसी भी दायरे से हो, मैं किसी एक को नहीं इस वक्त कह रहा, खा वो किसी पार्टी से भी हो, मैं किसी एक पार्टी का भी इस वक्त नॉमिनेट नहीं कर रहा, वो सिंसियर नहीं है, करप्शन हद से ज्यादा है, जो बंदा ऊपर जाता है वो सिर्फ माल बनाने का सोचता है, और सिर्फ यही चीज है, वरना इंडिया का दूसरों के लिए वो जैसा भी है अपने मुल्क के साथ सिंसियर है। सर, अभी आप उनकी एक डेवलपमेंट देखें कि जहां हम देखते हैं कि 1947 में एयरक्राफ्ट सबसे पहले यूएस ने बनाया था, इंडिया के पास भी है, बट उन्होंने रिपब्लिक कर दिया एयर एम्बुलेंस का नाम देके। आप मुझे बताएं, क्या उन्होंने अपने लोगों के लिए अच्छा सोचा, और उसमें पीछे क्या बेनिफिट्स उन्होंने खुद के लिए भी रखे? उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपनी मुल्क की आवाम के लिए बहुत अच्छा सोचा। देखिए, हर मेडिकल का हर आवाम को सहूलत होनी चाहिए, अगर हम टैक्सेस किस लिए पे करते हैं, इसीलिए ही करते हैं, हमारे तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट, इस तरह की हर तरह की फैसिलिटी मेडिकल की मिलनी चाहिए। सही बात है। सर, एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि हमारे यहाँ, यहाँ पर अगर पाकिस्तान की बात करें, तो क्या पार्टीज के अंदर जो लड़ाई झगड़े हैं वो, क्या 75 सालों से तो हम यही देखते आ रहे हैं कि जो पार्टी आती है लड़ाई झगड़े या फिर अपने पेड़ की हद तक आवाम को रोलती रहती है, क्या ये आगे इन फ्यूचर ऐसा ही रहेगा, या फिर कोई एक ऐसा हुक्मरान जो हमारे लिए मुखलिस साबित होगा और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करवाएगा? होना तो चाहिए, लेकिन मतलब मैं असल में खुद तो जिस बंदे को सपोर्ट करता हूँ इस वक्त, मैं अगर नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन होना यही चाहिए, लेकिन जो भी करता है या तो उसके करने नहीं दिया जा रहा, या मतलब हो नहीं पाता,
बस जाहिर अगर हम देखें तो नजर भी नहीं आ रहा। आप ये करने ना दिए जाने से मुझे अंदाजा हुआ इमरान खान। नहीं, मैं तो इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ, डेफिनेटली करता हूँ। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, करना भी चाहिए, लेकिन अगर हम देखें सर, आप हक सच की बात कीजिएगा, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं इमरान खान की भी बहुत सी गलतियां हैं जो आज मुल्क के ये हालात हो गए? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, हर बंदा परफेक्ट नहीं है, मैं मानता हूँ इसमें इमरान खान की भी गलतियां हैं। बस फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कोट करना चाहूंगा कमर जावेद बाजवा के हवाले से, जिस तरह की मतजाद बातें आई हैं, कभी कुछ कभी कुछ, वो लैकिंग है ये, खान साहब भी मतलब है इसमें, सही कह रही हूँ। बिल्कुल, आप एक मजे की बात बताती हूँ, अक्सर मेरी काफी इंटरनेशनल बेस्ड लोगों से बात होती है, तो इंडियंस मोस्टली चाहते हैं कि इमरान खान आए, क्योंकि वो समझते हैं कि अभी जो हालात है इमरान खान की वजह से खराब हुए हैं, और पाकिस्तान का अगर दिवालिया निकाल सकते हैं तो वो इमरान खान ही निकाल सकते हैं। क्या समझते हैं इस बात? नहीं, नॉट एग्रीड विद दिस। मेरे ख्याल में इमरान खान की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही हैं। आप मैं किसी बंदे को ये नहीं कह रहा कि इमरान खान की दौरे हुकूमत में इंडिया के साथ ताल्लुकात बिल्कुल बंद हो गए थे ट्रेड के लिहाज से, तो वो इस हवाले से कहते हैं कि पहला हुक्मरान है जिसने अपने बेनिफिट्स को खुद लात मार दी। ठीक है, वो कहते होंगे, मतलब मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कोरोना के हवाले से या किसी भी हवाले से, उसकी इमरान खान की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही है और बहुत सारी बातें, फॉर एग्जाम्पल जैसे जिनका हमें पता ही नहीं था कि कौमी असेंबली के इलेक्शन होने के बाद जब इवान बनता है तो किस तरह ये आप मुकमका करते हैं, एक एक चीज को जिस तरह ओपन हुआ ये चार सालों में, ये इसका क्रेडिट इमरान खान को जाता है, ये उनकी पॉलिसी को जाता है, लेकिन बाहर उनमें भी गलतियां, ये मैं उनको, और मैं किसी को ये भी नहीं कहता मेरी वजह से वो इमरान खान को वोट दे, उसकी अपनी थिंकिंग है, मैं सिर्फ अपनी व्यूज बयान कर रहा हूँ। सर आखिरी एक क्वेश्चन, क्या आपको लगता है इंडियन गवर्नमेंट मच बेटर देन पाकिस्तानी गवर्नमेंट पॉलिसीज अदर देन? एब्सोल्युटली राइट, मोर देन 100% इंडियन गवर्नमेंट इज मच बेटर देन पाकिस्तान गवर्नमेंट। सही बात है, और ये बहुत से पाकिस्तानी बोल रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट अपनी वाम के साथ सिंसियर है, उनकी सबसे बड़ी बात है। मैं एक, अगर टाइम हो तो एक बात कोट करूं,